अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 17 लाख रुपए विधायक कोष से स्वीकृत। वार्ड नंबर 31 और 38 में सड़क नाली निर्माण कार्य का विधिवत किया शिलान्यास। अजमेर दक्षिण विधानसभा में विधायक अनिता बधेल के विधायक कोष से अलग अलग वार्डों में कुल 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क व नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर किया गया। विधायक अनिता बधेल ने बताया कि वार्ड नंबर 31 के न्यू चंद्रनगर विनायक पथ सब्जी फल मंडी के पास और वार्ड नंबर 38 में पर्वतेश्वर महादेव मंदिर के पीछे वाली गली में सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। सड़क नाली निर्माण कार्य कोरोना काल में स्वीकृत हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शिलान्यास समारोह नहीं हो पाया। ठेकेदार को बारिश से पूर्व निर्माण कार्य संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस मौके पर वार्ड नंबर 38 के पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, महामंत्री हितेश डाबरिया, मंडल महामंत्री सुरेंद्र वर्णमाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहन शर्मा, महेंद्र राव, पार्षद सुनीता चौहान, मनीष भड़ाना आदि के साथ क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज दक्षिण विधानसभा के 2 वार्ड, वार्ड संख्या 31 और वार्ड संख्या 38 में हमने 17.5 लाख रुपए की सड़कों का शिलान्यास किया है। वार्ड नंबर 38 में 10 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। टेंडर होने के बाद कार्यादेश 7,31,000 रुपये का दिया गया है। इसी तरह से वार्ड नंबर 31 में भी हमने 10 लाख रुपये स्वीकृत किए थे। यह कार्य 10 लाख की लागत से होने वाला है, जो चंद्रनगर की सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। आने वाले भविष्य में भी लगातार अजमेर दक्षिण में 5 करोड़ रुपये की सड़कें मैंने स्वीकृत कराई हैं, तो उन सड़कों का भी हम शिलान्यास करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से कोई भी टूटी फूटी सड़क अब दक्षिण विधानसभा में नहीं रहने वाली है। कुछ मेंटेनेंस सड़कें मांग रही हैं, तो उन सड़कों का भी निर्माण करें, हमारे विधायक कोष से कराया जाए।